अब हम लोग जानेंगे रेक्टेंगल के बारे में, रेक्टेंगल का पेरिमीटर। तो ये एक रेक्टेंगल पहले हम ड्रॉ किए, ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल हो गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड जो होता है वह इक्वल और पैरेलल दोनों होता है। तो ए बी एल है और सी डी भी एल है, ठीक इसी तरह से बी सी बी है, तो ए डी ये भी बी है, अपोजिट साइड है, इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख दिए ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल हुज ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू एल और बी सी इक्वल टू डी ए इक्वल टू बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर क्या होता है, तो टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, टू इंटू लेंथ को एल और ब्रेथ को बी लिखेंगे, तो पी इक्वल टू लिख सकते हैं टू इंटू एल प्लस बी, तो इसको लिख सकते हैं टू एल प्लस टू बी, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया, ठीक है।